हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रपोन। चलिए आज डिस्कस करते हैं कुछ अलग। आज के हिंदू ने रिपोर्ट किया कुछ आर्ट एंड कल्चर से संबंध में। हिंदू हैज़ रिपोर्टेड कि धौलावीरा जो एक इंडस साइट है और एक रमप्पा टेम्पल है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनने की बात चल रही है। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है। आर्ट एंड कल्चर में भी जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, वो करंट में कहीं उसका मेंशन होता है तो उससे संबंधित कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन बना देते हैं। सिंस दीज टू थिंग्स हैव अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर टुडे ओनली, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट दैम। आज इनके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी हिंदू रिपोर्ट्स। द डिसीजन टू एग्जामिन रमप्पा टेम्पल फॉर ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैज़ बीन डिफर्ड बाई द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो प्राइम बॉडी होती है, जो एवेल्यूएट करती है क्रेडेंशियल्स कि ये इंस्क्रिप्शन इसका किया, जो पर्टिकुलर साइट है उसको इंस्क्राइब किया जाए या ना किया जाए, लिया जाए ना लिया जाए। बाई द वे आपको बताऊँ कि वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस कैसे मिलता है, ये बॉडी यूनेस्को की होती है, कैसे क्या होता है, ये हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए रमप्पा टेम्पल के जो इंस्क्रिप्शन होना है या उसको इंक्लूड करना है, वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने डेफर कर दिया है और बोला है कि आप एक एनजीओ इकोमॉस है, इकोमॉस नाम का एक एनजीओ है, उससे थोड़ी सपोर्ट लीजिए और कंजर्वेशन स्टेटस का इम्प्रूव कीजिए। इकोमॉस एक एनजीओ होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, वो ये एनालिसिस करके बताता है कि कहाँ कहाँ आपकी साइट में कमी है, कैसे कंजर्वेशन बढ़ा सकते हैं ताकि वो बेटर एलिजिबल हो जाए स्टेटस पाने के लिए। तो आप इकोमॉस से संपर्क कर सकते हैं और अभी हम आपका ये जो स्टेटस है थोड़ा रोक देते हैं। ऐसा कुछ जो प्रोविजनल एजेंडा है जो कि डिस्कस होना है बिटवीन जुलाई 16 एंड 31 आने वाले दिनों में, उसमें हो सकता है रमप्पा टेम्पल के को डेफर कर दिया जाए। लेकिन इसी एजेंडा में ये तय है कि धौलावीरा जो हड़प्पा का एक टाउन है उसको शायद वर्ल्ड हेरिटेज इंस्क्रिप्शन का साइट का स्टेटस मिल जाए, ऐसा हिंदू अखबार ने रिपोर्ट किया है। तो आज इन दो चीज़ों के बारे में शॉर्ट में जानते हैं और हमारे आर्ट एंड कल्चर के बारे में हमें कुछ पता लग जाएगा। धौलावीरा इज एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन हुआ करता है, हड़प्पा की सभ्यता हुआ करती है, उसी में बताया गया है कि अर्बन कल्चर था, टाउन प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। उसी में एक इम्पॉर्टेंट टाउन है कच्छ रीजन धौलावीरा में। ये जो धौला गुजरात का जो कच्छ रीजन है जहाँ पर कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हुआ करती है, उसी के पास धौलावीर या धौलावीर नाम का एक टाउन एक्सकेवेट किया गया। मैच्योर हड़प्पन फेज का ये बात का डेवलपमेंट है जिसे JP जोशी और RS बिष्ट ने मिलकर इसका एक्सकेवेट किया और 1991-92 के आसपास इसका पूरा एक्सकेवेशन हो पाया, लंबे समय तक चला और पता लगा कि एक यूनिक फीचर्स के साथ इंडस का एक और टाउन हमको मिला है। तो इट इज़ लोकेटेड इन द रेन ऑफ कच्छ, जो ड्राई और सेमी एरिड जोन हुआ करता है वहाँ पर यह पाया गया और एक यूनिक माना जाता है धौलावीरा। धौलावीरा क्या इसकी यूनिकनेस है जान लेते हैं। इंडस में यूजुअली ज़्यादातर टाउन्स दो डिवीज़न में बटे पाए जाते हैं, वेस्टर्न साइड में सिटाडेल, ईस्टर्न साइड में लोअर टाउन, ऐसा हमको बताया गया, ऐसा ही वहाँ की एक्सकेवेशंस में उत्खनन में पता लगा है। लेकिन यहाँ पर तीन टाउन्स हैं, तीन डिवीज़न्स हैं। धौलावीर इकलौता टाउन है इंडस का जहाँ पर तीन डिवीज़न्स हैं, वेस्टर्न साइड में सिटाडेल है और एक मिडिल टाउन है और एक लोअर टाउन है। इनके अंदर भी बहुत सारे स्ट्रीट पैटर्न हैं, कुछ छोटे छोटे कंस्ट्रक्शंस हैं, एनक्लोजर्स बने हुए हैं। इट इज़ द ओनली टाउन इन द इंडस सिविलाइजेशन विच शोज थ्री डिविजन्स, अदरवाइज एक डिवीज़न वाला भी है या थ्री डिविजन्स टू डिविजन्स वाले ही ज़्यादा टाउन होते हैं। तो धौलावीरा शोज थ्री डिविजन्स, फर्स्ट यूनिक फीचर ऑफ धौलावीरा और धौलावीरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस टाउन शोज मिडिल टाउन एज वेल, तो आप बोलेंगे धौलावीर इन गुजरात इन कच्छ रीजन शोज थ्री डिविजन्स, एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है। दूसरा ये है कि इट चूँकि मैच्योर हड़प्पन फेस का ये टाउन है, इट शोज ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग विद राइट प्रपोर्शंस एंड स्ट्रीट लेआउट। शुरू के जो
टाउन से वहाँ पर हो सकता है प्रपोर्शंस में कुछ मिसमैच हो, लेकिन यहाँ पर प्रपोर्शंस बहुत बेहतर तरीके से दिखे हैं, सिमेट्रिकल वर्किंग देखी है धोलावीरा में। मैच्योर हड़प्पन फेस का है तो स्ट्रीट लेआउट में और जो टाउन प्लानिंग है वो काफ़ी बेहतर किस्म की दिखी है धोलावीर में। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ धोलावीरा अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज इज द वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, द ओनली साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन विच शोज हाई डिग्री ऑफ यू कैन से एबिलिटी और कैपेसिटी टू कंजर्व वाटर इज धोलावीरा। धोलावीरा में बहुत सारे वाटर रिजर्वॉयर्स मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे न्यू हाउ टू कंजर्व वाटर, ओबियसली लॉजिकल बात है, सेमी एरिड जोन है, ड्राई जोन है, तो इंडस के लोग उस समय वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स जाना करते थे। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के जो कंसेप्ट होते हैं वो वहाँ पर दिख जाते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस विच शोज हाई डिग्री ऑफ मैच्योरिटी एंड नॉलेज इन द वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। बहुत बेहतर तरीके के यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग धोलावीरा, बहुत यूनिक साइट है धोलावीरा की। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है जो कहीं और नहीं मिलती, यहाँ से एक साइन बोर्ड मिला है जिस पे इंडस के कुछ लेटर्स बने हुए हैं, मतलब बिगेस्ट इंडस स्क्रिप्ट कहीं से मिली है तो वो मिली है धोलावीर से। ऐसा लगता है कि किसी गेटवे के ऊपर लगा होगा एक साइन बोर्ड जैसा है, तो ये एक दबा हुआ मिला है, स्टडी किया गया है, तो ये इंडस के लेटर्स होते हैं, स्क्रिप्ट होती है। एंड ओबियसली अभी तक हमको पता नहीं है कि इंडस की स्क्रिप्ट क्या है, इसका डिसाइफरमेंट अभी नहीं हुआ है, पढ़ नहीं पाए हैं, बट इट इज़ यू कैन सी द बिगेस्ट स्क्रिप्ट और लेटर्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन जो साइज में काफ़ी बड़े हैं वो हमको इस साइन बोर्ड से मिले हैं जो धोलावीरा से मिला है। तो ये दो तीन यूनिक चीज़ें हैं धोलावीरा की जो हमको पता लगती हैं। तो लाइकलीहुड है कि जुलाई के महीने में शायद इट मे बिकम पार्ट ऑफ व्हाट, इट मे बिकम पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्रिप्शन। यूजुअली होता क्या है, पहले जो कंट्री होता है वो अपनी साइट्स को खुद चुनता है, उन्हें डालता है टेंटेटिव लिस्ट में, उसके बाद फिर वो प्रपोजल आगे चल के भेजता है कि हमारी इन साइट्स को आप वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दे दीजिए। तो टेंटेटिव लिस्ट में तो 2014 में ही आ गई थी, अब सबमिट हो चुका है डोजी और हो सकता है कि बात बन जाए। तो ये धोलावीरा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे न्यूज़ में है और हमारे क्वेश्चन की वजह बन सकता है। नौ धोलावीरा के बने, धोलावीरा के इसके आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या रेन ऑफ कच्छ है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब इससे संबंधित कुछ ना कुछ डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। दूसरा जो है वो है रमप्पा टेम्पल। स्टेट गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू गेट द यूनेस्को हेरिटेज रिकॉग्निशन ऑफ रमप्पा टेम्पल हैव पेड ऑफ विद सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटिंग दिस टेम्पल फॉर दिस स्टेटस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको टेंटेटिव लिस्ट में पहले ही डाल दिया था, अब जैसे मैंने शुरू में बताया डिफर कर दिया गया, लेट अस सी मीटिंग में क्या होता है। रमप्पा टेम्पल क्या है, रमप्पा टेम्पल कुछ 1213 AD में बनवाया गया था बाई रिचर्डा रुद्र ड्यूरिंग द रेन ऑफ काकातिया डायनेस्टी का किंग है, किंग गणपति देव। गणपति देव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ यू कैन से काकातिया ऑफ वारंगल। अर्ली मेडिवल एज में आंध्र प्रदेश के जो शासक हुआ करते थे उनमें डायनेस्टी थी काकातिया ऑफ वारंगल, उन्हीं में एक राजा गणपति देव हैं जो कुछ इस समय रूल करते थे, उन्हीं के समय ये टेम्पल कुछ बनवाया गया था। रमप्पा टेम्पल इज़ द ओनली टेम्पल इन द कंट्री विच इज़ नेम्ड आफ्टर इट्स क्राफ्ट्समैन। ये इकलौता टेम्पल है भारत में जो इसके क्राफ्ट्समैन के नाम पे बनाया गया, मतलब जिसने इसको डिज़ाइन किया था उसी के नाम पर इसको रमप्पा टेम्पल कह देते हैं। नोन बाय द नेम ऑफ इट्स स्कल्प्टर यूनेस्को ऑफिशियल्स हैड इंस्पेक्टेड द हिस्टोरिक टेम्पल। 2019 में इसका इंस्पेक्शन भी यूनेस्को ने किया था। तो ये रमप्पा टेम्पल है तेलंगाना में, इट इज़ ऑल्सो नोन एज राम लिंगेश्वरा। ये लॉर्ड शिव टेम्पल है, याद रखेंगे लॉर्ड शिव टेम्पल है ये, और यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है। ये मुलुगु टाउन में, मुगलु डिस्ट्रिक्ट में है, वारंगल के आसपास कुछ दूरी पर ये तेलंगाना में बना हुआ है। इट इज़ शिवेलम, मैंने बताया लॉर्ड शिव टेम्पल है वे लॉर्ड राम लिंगेश्वरम इज़ वर्शिप्ड। आपको अखबार आप न्यूज़पेपर में या बुक्स में पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, मार्क पोलो जिसने लेट 13th सेंचुरी में इंडियन कोस्टल एरियाज विजिट किए थे उसने भी इसको टेंपल के बारे में बोला है द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ टेंपल्स। मतलब मार्को पोलो ने साउथ इंडिया में जो विजिट किया है, जो उसकी विजिट हुई है वर्ल्ड में एशिया की तरफ,
वेनेशियन ट्रेवलर हुआ करता था, उसने भी इसके बारे में कुछ बोला है। तो ये जो टेम्पल का प्लान है वो स्टार शेप्ड है। इट इज़ ऑन द रामप्पा टेम्पल स्टैंड्स मेजेस्टिकली ऑन ए हाई स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म। स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म पे ये बना हुआ है। इस तरीके से स्टार जो बनता है, ऐसे ही कुछ टेम्पल होयसालास के भी हैं, जो द्वार समुद्र के होयसाल डायनेस्टी है उनके टेम्पल्स भी कुछ स्टार शेप्ड में हो जाया करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वह जैसे टेम्पल होता है कि गर्भगृह है जहाँ मूर्ति की स्थापना होती है, अंतराल, और ये गर्भगृह हो जाएगा, यहाँ पर ये अंतराल है, ये महामंडप है यहाँ मूर्ति की स्थापना होती है, ये पैसेज वे टू गर्भगृह है, और ये मंडप है जहाँ पर रिचुअल सेरेमनी दिया लोगों की गैदरिंग होती है, उसी इस पे बना हुआ है। इसका एक लंबा सा शिखर भी हुआ करता है। तो दिस इज़ रामप्पा टेम्पल। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है आर्ट एंड कल्चर को लेके, जो सुर्खियों में हैं, जो कि अखबार में आई हैं, इनसे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। बिसाइड्स दिस, रामप्पा टेम्पल की यूनिकनेस क्या है? ए रिमार्केबल फैक्ट अबाउट दिस टेम्पल इज दैट इट इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स दैट कैन फ्लोट इन वाटर। इस मटेरियल से बनाई गई हैं कि वो ईंटें अगर निकाल दो तो वो पानी में तैर जाती हैं। फ्लोटेबल ब्रिक्स का बनाया गया है, लाइट ब्रिक्स हुआ करती हैं। साथ साथ इसको कुशन सपोर्ट देने के लिए इसके बॉटम में सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी लगाई गई है। मतलब अर्थक्वेक जैसी कोई चीज़ आती है तो उसके कुशन को उसको जो झटके है उसको झेल सकती है। तो दो यूनिक चीज़ें ये भी हैं कि ब्रिक्स इसकी बहुत लाइट हैं, पानी में भी तैर सकती हैं, और साथ साथ सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हुई है टू द फाउंडेशन पिट्स सो दैट इट एक्ट्स एज ए कुशन टू प्रोटेक्ट द टेम्पल इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक। ये दो खासियतें इस टेम्पल के बारे में और पता लग जाती हैं। तो इतनी चीज़ें आप जान के रखिए, अपने नोट्स में ले लीजिए। हो सकता है हमारे करंट अफेयर्स में किसी न किसी फॉर्म में ये दोनों चीज़ें, दोनों फैक्ट्स आ जाएं। तो दिस इज़ आज करंट अफेयर्स में हमने आर्ट एंड कल्चर में कुछ किया। इसी तरीके से हम हमारे जो आइडियाज़ हैं उनमें कुछ ना कुछ लेते रहेंगे, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ ना कुछ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट हमारे वीडियोज़ के ज़रिए आता रहेगा। आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ करिए और बाकायदा नोट्स बनाइए। सो चलिए, थैंक्स अ लॉट।